एशिया कप और वर्ल्ड कप में मिल सकती है संजू सैमसन को जगह, और इसका पता चलेगा हमें वेस्ट इंडीज के दौरे में जो करने वाली है भारत जुलाई में, जो वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगी इंडिया ओडीआई और T20 की सीरीज, उससे पता चलेगा हमें कि क्या संजू सैमसन को मिलने वाली है एशिया कप और वर्ल्ड कप में जगह। सबसे पहले अगर हम एक बार संजू सैमसन के ओवरऑल स्टैट्स पर नजर डाल ले तो संजू सैमसन ने अब तक ओडीआई में कुल 11 मैचेस खेले हैं, 66 की एवरेज और 105 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए हैं, 86 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। T20 में संजू सैमसन ने कुल अब तक 17 मैचेस खेले हैं, 20.07 की एवरेज और 134 की स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए हैं, 77 इनका हाईएस्ट रहा है। वही आईपीएल में कुल संजू सैमसन ने अब तक 152 मैचेस खेले हैं, 29.23 की एवरेज और 137 का स्ट्राइक रेट से 3888 रन बनाए हैं, 119 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। ये थे संजू सैमसन के अब तक के ओवरऑल स्टैट्स। अब अगर ये बात करें कि इन्हें सीधा एशिया कप और वर्ल्ड कप में जगह कैसे मिल सकती है, तो देखिए इस समय इंडिया के पास विकेट कीपिंग में ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। ऋषभ पंत जैसे कि आप सारे जानते हैं कि इंजर्ड है अपने एक्सीडेंट की वजह से, केएल राहुल इस समय इंजर्ड है जो आईपीएल में वो हो गए थे हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। आखिरी ऑप्शन इंडिया के पास बचता है विकेट कीपिंग के ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन, और अगर जब इंडिया वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी तो एक बैकअप ऑप्शन ऑब्वियसली रख के चलेगी, तो वहां पे ऑप्शन आता है संजू सैमसन का ईशान किशन के साथ एज अ विकेट कीपर। साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में जैसा कि आप सारे जानते हैं कि श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड है, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव का ओडीआई में कुछ खास उनका बल्ला भी चल नहीं रहा है, तो वहां पर भी इस ऑप्शन की वजह से संजू सैमसन का ऑप्शन वहां पे एक खुलकर आता है कि उन्हें भी वेस्ट इंडीज के दौरे में मौका मिल सकता है ओडीआई और T20 की सीरीज जो भारत खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ। और अगर संजू सैमसन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है इस वेस्ट इंडीज के दौरे में तो चांसेस है कि उन्हें एशिया कप में भी मौका मिल सकता है, और अगर एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो चांसेस है पूरे पूरे कि वहां पे संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल कर लिया जाए जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी, यानी वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि तब तक ऋषभ पंत की वापसी हो पाए। केएल राहुल वैसे ही इंजर्ड है तो उनका भी चांसेस अभी बहुत कम है, और सिर्फ ईशान किशन ही है, और उनके साथ एक ऑप्शन यहाँ पे जो आता है सिर्फ और सिर्फ वो आता है संजू सैमसन का। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए टीम इंडिया में, क्या उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए, क्या संजू सैमसन को मौका मिल सकता है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे फटाफट से कमेंट से बताइए। आप देख रहे हैं तूफान स्पोर्ट्स, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।